हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सालों पुराना घुटने का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, अक्सर औरतों को 30 साल की उम्र के बाद ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आज की जो ये रेसिपी है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। तो आज हम एक ऐसे लड्डू बनाएंगे जिसे हम बनाएंगे छुहारे से। छुहारा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये खून की कमी को भी पूरा करता है। तो चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाना है देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम छुहारे को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। ये भीग के कुछ इस तरह के हो गए हैं, क्योंकि मुझे आपको सुबह रेसिपी को रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रात को मैंने इसे अच्छे से धोकर काट के इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी और इसे भिगो दिया था। ये फूल के अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको दिख रहा होगा। और अब इसे हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसे कवर करेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम दरदरा सा पेस्ट छुहारे का यहाँ पर हमने बना लिया है। आप चाहें तो इस लड्डू को खजूर से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको इन छुहारों के लड्डू में मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको आज की अच्छी लगती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके लिए भी ये रेसिपी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो वो आपके लिए काफ़ी थैंकफुल होंगे। यहाँ पर सारे के सारे छुहारों को हमने ग्राइंड कर लिया एकदम दरदरा सा। अब आपको कोई भी कढ़ाई ले लेनी है या पैन ले लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। मैंने 1/4 कप देसी घी अभी यहाँ पर लिया है। अभी हम इसी में सारी चीज़ों को बारी बारी से फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है गोंद। ये जो होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके इस्तेमाल से आपके घुटनों में दर्द या जोड़ों में जो दर्द होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो। वैसे अब तो सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए आप इसे खा सकते हो। गर्मियों में इसकी तासीर कुछ गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसे नहीं खाया जाता है। इसे मोस्टली सर्दियों में ही खाया जाता है। 2 से 3 मिनट तक आप इसे फ्राई करें और आप देखेंगे ये फूल कर अच्छे से बड़े हो जाएंगे और ये फ्राई हो चुके हैं। एक प्लेट पर निकालेंगे। अब हम बिना घी को डाले यहाँ पर मखाना ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप वेट लॉस पे है ना, तो आप इन छुहारों के लड्डुओं को बहुत आसानी से खा सकते हो। ये शुगर फ्री है, आप डेली एक लड्डू ले सकते हो। इससे आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। देखिए, मखाने अच्छे से यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर स्टील की कढ़ाई ली थी, ये हल्की सी ज़्यादा गर्म हो गई है। अगर आप नॉनस्टिक लेते हो तो आपको काफ़ी आराम से यहाँ पर सारी चीज़ों को फ्राई करने में टाइम नहीं लगता है। इसके बाद मैंने लिया है 2 कप नारियल। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, सॉरी ग्रेटेड कोकोनट है। आप यहाँ पर बड़े छोटे किसी साइज़ में भी नारियल को ले सकते हो। अच्छे से इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब आप इसे किसी भी प्लेट पर निकाल लें। इस तरह से ये जो लड्डू है, आज जब हम इसे बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से बना रहे हैं। आज से पहले आपने ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। इन्हें भी फ्राई करने के बाद अब हम गोंद देखते हैं। यहाँ पर गोंद अच्छे से बिल्कुल फ्राई हुआ है। इसे हम किसी मिक्सिंग जार में ऐड कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इसका फाइन सा पाउडर बन चुका है। अब इसी में हम मखाना ऐड करेंगे। मखाने को भी यहाँ पर आपको ग्राइंड कर लेना है। मैं सारी चीज़ों को ग्राइंड करके ले रही हूँ। इससे लड्डू को बाइंड करने में काफ़ी आसानी होती है और इन लड्डुओं को कोई भी खा सकता है। स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो मेवे को चबा नहीं पाते हैं, इसलिए वो नहीं खा पाते हैं। इसलिए इस तरह से आप ग्राइंड करके डालें तो बहुत आसानी से खा लेंगे वो भी। अब यहाँ पर मैंने मिश्री ली है। बिना चीनी के हम इसे बना रहे हैं, तो मैं इसमें मिश्री डालूंगी, क्योंकि हमने छुहारा भिगोया था तो इसमें थोड़ी सी मिठास निकल गई है। मिश्री को भी हमने पाउडर बना लिया है। अब साथ ही यहाँ पर हमने 5 ml के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने इसमें बादाम ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। काजू की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है और उतनी क्वांटिटी में मैंने अखरोट और किशमिश को लिया है। बादाम हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे जो याददाश्त है वो भी हमारी मजबूत होती है, इसलिए मैंने इसमें बादाम ज़्यादा लिया है। 100 ग्राम बादाम है। बाकी सारी चीज़ें मैंने 50-50 ग्राम के करीब ली है। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हो।
अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी ऐड किया था, जिससे ये अच्छे से फ्राई होंगे, तो जब आप इन्हें खाएंगे ना, इनका फ्लेवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इन सारी चीज़ों को भी मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है। अब मैंने 1/4 कप घी और लिया है, टोटल मैंने इस रेसिपी में आधे कप घी का इस्तेमाल किया है। आधा कप घी डाल के जो छुआरा हमने ग्राइंड करके रखा था, सारे छुआरे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा जो छुआरा है, हमें इसे मीडियम आंच पर काफ़ी अच्छे से भूनना है। इसे भूनने में आपको अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसे भूनेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी जो लड्डू है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। अगर आप ड्राई छुआरा लेते तो इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, हमने इसे भिगो के लिया है, तो इसलिए इन लड्डुओं को आप आराम से 3 महीने तक खा सकते हो फ्रिज में रख के, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और 1 महीना आराम से आप इसे बाहर रख सकते हो, तो इस तरह से आप इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो अगर आप फ्रिज में रखते हो। तो देखिए 5 से 6 मिनट तक आपको इसे काफ़ी अच्छे से भूनना है, और आपको समझ में आ जाएगा जब इससे जितना भी एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा, तो ये ड्राई सा होने लगेगा। और जैसे ये ड्राई होने लगे, गैस की आंच को कम कर दें, और कम करने के बाद आप इसमें जो मिश्री हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर दें। जो मिश्री होती है इसकी तासीर ठंडी होती है, अभी मौसम ऐसा है, ना सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, इसलिए आप गोंद के साथ इसे कंबाइन करके बहुत ही ईजिली ले सकते हो। और डेली आप अगर इसका सेवन करते हो इन लड्डुओं का, तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। अभी मैं बताऊंगी कि आपको इन लड्डुओं को किस तरह कंज्यूम करना है। अब आप देखेंगे मिश्री डालने के बाद इसे जब 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा और कुछ इस तरह का ये दिखने लगेगा। गैस ऑफ कर दें। अब बारी बारी से सारे इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे, और सारे हमने मेवे एक साथ इसमें ऐड नहीं किए हैं, मैंने इसमें एक एक करके सारे मेवा ऐड किया, जिससे हम अच्छे से इसे मिक्स कर सकें। यहाँ पर मैंने छोटी कढ़ाई ली है, इसलिए मैं खट्टा सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। आप अगर बड़ा बर्तन लेते हो ना, तो आप एक साथ सारी चीज़ों को डाल सकते हो। फ्रेंड, मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे मैं सबसे पहले जब वीडियो अपलोड करूँगी ना, वो आप तक पहुँचेगी और आप बहुत आसानी से हमारी वीडियो को डेली देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप बिना किसी कॉस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। जो कढ़ाई है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं कपड़े से इसको पकड़ के अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें लास्ट में जो बचा हुआ नारियल है वो भी हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये जो लड्डू है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनके तैयार हुए हैं। आराम से आप इसे अगर डेली भी 2 लड्डू खाते हो, तो 1 महीने के अंदर आप इसे ख़त्म कर लोगे बहुत ही इजीली, और आप इसे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी दे सकते हो। ये सब के लिए बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। अच्छे से एक बार आप फिर से इसे मिक्स कर लें, और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, आप देखेंगे जो घी हमने इसमें डाला था ना, वो अच्छे से रिलीज होगा। और आप देखें यहाँ पर बहुत ही कम घी में बिना शक्कर के आप ऐसे लड्डू बना के तैयार कर सकते हो, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप थोड़ा सा पोर्शन लें हाथों पर, इससे के लड्डू बनाना बहुत आसान है, कोई भी इसके लड्डू आसानी से बना सकता है। हल्का सा गर्म आपका ये जो मिक्सचर है ये होना चाहिए, और इसी में आपको अच्छे से बड़े साइज़ के लड्डू बांध लेने हैं। ये देखिए मैं एक एक करके 2 लड्डू आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, अब आगे के लड्डू भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। और देखिए मेरे डिलीशियस से ड्राई फ्रूट्स के ये छुआरे वाले लड्डू बनके तैयार हैं, जिसे हमने बनाया है इसे बिना चीनी, बिना गुड़ के। तो ये रेसिपी कैसी लग रही है, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इतने सारे लड्डू मैंने बनाए हैं, आज पहली बार इतने सारे लड्डू बना के ट्राई किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन्हें हम तोड़ कर देखते हैं कि इनका जो टेक्स्चर है वो कैसा आया। लुक एट, एकदम परफेक्ट छुआरा लड्डू यहाँ पे बन के तैयार हैं फ्रेंड्स। और इन लड्डुओं को आप डेली सुबह 1 ग्लास दूध के साथ लीजिए, और आप अपनी जो बॉडी है उसमें काफ़ी चेंजेस देखेंगे। जो घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, ये सारा बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अलसी भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।